देख सकते हो ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कक्ष बना है, जो कि इसमें हथियार वगैरह काफ़ी सेफली रखे जाते थे। आप लोगों को वो तोप बताई थी, वो जस्ट सामने ही वो तोप पड़ी हुई है मेरे, आप लोग देख सकते हो वो तोप है। जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि इस ब्लॉग का मतलब सेकंड पार्ट लाऊंगा इस किले का, तो आप लोगों के लिए मैं सेकंड पार्ट लाया हूँ। आप लोग देख सकते हो, हम लोग उस दिन काफ़ी मतलब शूट किया था, जो मतलब काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई, तो मैंने इस बार ब्लॉग को, इस किले की वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आप लोग इस ब्लॉग को भी प्यार देना। हम लोग चलते हैं, आप लोगों को राजा रानी के जो कक्ष वगैरह हैं, तोप वगैरह रखी हूँ, वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो गाइस आइए मेरे साथ, हम लोग चलते हैं। और आप लोगों का ऐसे ही प्यार बना रहा तो गाइस हम लोग पूरे मतलब अपने भारत के जो प्राचीन धरोहर हैं वो आप लोगों के बीच में लाऊंगा। आप लोग देख सकते हो इस किले के कुछ साक्ष्य यहाँ पर टूट कर गिर चुके हैं। अभी ये किला मतलब क्षतिग्रस्त हो चुका है, धीरे धीरे ये किला भी क्षतिग्रस्त हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पर रेख देख की स्थिति में काफ़ी शानदार है। और आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये कुछ सारे कक्ष जो बने हुए हैं सामने के, वो सैनिक वाले कक्ष थे जैसा मैंने आप लोगों को बताया था। और यहाँ से आप लोग देख सकते हो कुछ कक्ष यहाँ पर भी बने हुए हैं जो कि अभी ध्वस्त हो चुके हैं, टूट चुके हैं, जिनकी छत वगैरह सारी टूट चुकी है। तो गाइस यहाँ से हम लोग चलते हैं, अब सामने आप लोगों को मेन कक्ष की तरफ लेकर चलते हैं, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो बुर्ज बनाया गया था, ये जो दुर्ग बनाया गया था गाइस, तो इसमें मतलब सैन्य शक्ति के हिसाब से काफ़ी शानदार था। यहाँ पर काफ़ी सेना थी, और मतलब एक किला जो बनाया था मराठों के आतंक से आके, जो यहाँ के राजा थे उन्होंने इस किले का निर्माण करवाया था। और जैसे आज के टाइम पर हमारे यहाँ जो ऑर्डिनेंस कंपनी वगैरह होती है, जहाँ पर हथियार मथियार रखे जाते हैं, बनाए जाते हैं, उसी हिसाब से इस किले को भी बनाया था यहाँ के राजा ने। जो उनके हथियार वगैरह हुआ करते थे इस किले में पूरी तरीके से स्टोर होकर रखे रहते थे। तो ये जो किला है काफ़ी शानदार है, आज के टाइम पर भी काफ़ी शानदार है, और काफ़ी अच्छी स्थिति में खड़ा है अपने अस्तित्व में। तो गाइस आगे चल के आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ से जाने के बाद हमें पता चलता है गाइस यहाँ पर भी कुछ सीढ़ियाँ वगैरह हैं, और यहाँ से आगे चल के मैं और आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ से आने के बाद हमें पता चलता है कि जो राजा हुआ करते थे उनका यहाँ पर ध्वजा फहराया जाता होगा, जो इस मतलब इस रियासत का ध्वजा होगा। उस टाइम पे तिरंगा तो हुआ नहीं करता था, अपने अपनी रियासत के अलग अलग झंडे हुआ करते थे, तो यहाँ पर वो होता था। तो आप लोग देख सकते हो, हम चलेंगे उस साइड, यहाँ से चलेंगे हम लोग उस साइड, आप लोगों को दिखाएंगे उस साइड ही राजा के कक्ष बने हुए हैं। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं। मैं जैसा कि मैंने आपसे बोला था, ये किला काफ़ी भूल भुलैया वाला है, हमें लगा कि इस साइड से राजा के कक्ष की तरफ जाने का रास्ता होगा, लेकिन इस साइड आए तो हम लोग इस साइड भी भूल गए, हम फिर से रिटर्न चलते हैं गाइस। तो आप लोग देख सकते हो, मैंने आपसे बोला ही था ये किला काफ़ी भूल भुलैया वाला किला है, हम आप लोगों को लेकर चलते हैं। जैसे ही गाइस हमें यहाँ का रास्ता मिलता है, अभी आप लोग यहाँ देख सकते हो काफ़ी मतलब सुरंग नुमा बना हुआ है, आप लोग देख ही सकते हो। तो गाइस हम लोग इस तरफ चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को कुछ रहस्यमय कक्ष, जो कि आज के टाइम पर भी भूल भुलैया टाइप के ही हैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे रास्ते हैं, और ये जो नक्काशी निकाली गई है, जो अलमारी टाइप की बनाई गई है, यहाँ पर शायद दीप वगैरह रखते होंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा कक्ष बना है, जो कि इसमें हथियार वगैरह काफ़ी सेफली रखे जाते थे। आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर पहले शायद दरवाज़ा वगैरह लगा होगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो छोटे छोटे ऐसे कई सुरंगें टाइप के इस महल में हैं, जो कि दरवाजे सहित हुआ करती थी। यहाँ पर हथियार काफ़ी अच्छी स्थिति में और काफ़ी सुरक्षित रखे रहते थे। गाइस बात करें यहाँ की, यहाँ पर भी छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। इस महल को मोस्टली हथियार वगैरह रखने के लिए ही बनाए जाते थे, और आप लोग यहाँ से देख सकते हो गन पॉइंट भी बने हुए हैं, ताकि कोई आक्रमण करे यहाँ पर तो गन पॉइंट की वजह से उनको निशाना बना लिया जाए। गाइस यहाँ से छत टूट चुकी है, एक एक कक्ष भी बना हुआ है, यहाँ की छत टूट चुकी है। हम लोग चलते हैं अब आप लोगों को लेकर महाराजा राजा रानी राजा के कक्ष की तरफ, आप लोगों को दिखाएंगे उस कक्ष के रहस्य, जो भी रहस्य है उस कक्ष में। यहाँ से गाइस रास्ता हमें मिला नहीं है, शायद आगे से रास्ता मिल जाएगा। यहाँ से धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, आप लोगों को उसका रहस्य भी बताएंगे गाइस। तो यहाँ से हम लोग आ चुके हैं गाइस नीचे, और चलते हैं उस तरफ आप लोगों को लेकर। हो सकता है गाइस यहाँ से रास्ता हमें मिल जाए, तो एक कक्ष टाइप का यहाँ पर भी बना हुआ है, शायद यहाँ पर रास्ता हो, लेकिन यहाँ पर भी गाइस रास्ता नहीं है। ये पूरा जो किला बना हुआ है गाइस भूल भुलैया वाला किला है, जाने के लिए यहाँ पर देख लो गाइस, हम लोग यहाँ पर आते ही हमें एक कक्ष मिल गया, यहाँ पर रास्ता तो मिला नहीं। तो गाइस फिलहाल हम लोग रास्ता ढूंढ रहे हैं, आइए चलते हैं आगे।
तो गाइस हम लोग चल रहे हैं अब जो यहाँ के महाराजा का मेन कक्ष हुआ करता था, उस कक्ष की ओर आप लोगों को लेकर चलते हैं। यहाँ पर काफ़ी ब्लॉगर आते रहते हैं, काफ़ी वीडियो बनाने वाले आते रहते हैं और हमें एक दो लोगों से मुलाकात हुई है। आप लोग इस साइड भी देख सकते हैं, भैया ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं। हम लोग चलते हैं इस तरफ, आप लोगों को कुछ खुफिया कमरे और दिखा देते हैं जो यहाँ पर बने हुए हैं। इस साइड जाने के बाद हमें गाइस रास्ता शायद दिख रहा है, सामने ही रास्ता है। तो गाइस हम लोग यहाँ अब चलते हैं, आप लोगों को मेन कक्ष वगैरह आप लोगों को दिखा देते हैं जहाँ पर राजा रानी रहा करते थे और जहाँ पर मोस्टली हथियार वगैरह रखे जाते थे। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मैदान और काफ़ी शानदार नज़ारा है गाइस। यहाँ पर राजाओं की महफिल वगैरह हुआ करती होगी, आप लोग देख सकते हो उस साइड जो अभी बीच में बनाया गया है, यहाँ पर राजा बैठते होंगे और यहाँ पर जो महफिलें वगैरह हैं वो हुआ करती होंगी। गाइस आप ये देख सकते हो, ये राजा का बैठने का स्थान है, यहाँ पर बैठते थे और इस साइड महफिलें वगैरह जो भी बैठक वगैरह खासे आम जो बोलते हैं वो हुआ करती थी। जैसे कोई आम आदमी की जनसुनवाई होती थी तो राजा यहाँ बैठते थे, यहाँ से उनकी जनसुनवाई होती थी। तो गाइस इसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, आप लोग देख सकते हो जो दुर्ग वगैरह इसके जो बने हुए हैं, बुर्ज पूरे पत्थर के ऊपर हैं और एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर इस महल का, इस किले का निर्माण हुआ था जो कि 1787 के आसपास इसका निर्माण हुआ था। और इस महल को बनवाने के लिए काफ़ी खास टेक्निकल का उपयोग हुआ था, क्योंकि गाइस जो ओरछा के राजा थे वो काफ़ी परेशान थे मराठों की लूटपाट से, तो उन्होंने इस जगह को सेफली बनवाया था। यहाँ पर आने के बाद हमें फिर से मिलते हैं यहाँ के जो रक्षक सैनिक वगैरह हुआ करते थे उनके कक्ष, अंदर जाते हैं गाइस। जैसे ही गाइस हम लोग यहाँ अंदर आते हैं तो यहाँ हमें कुछ और कक्ष भी मिलते हैं। हो सकता है गाइस इस महल के अंदर कुछ रहस्य छुपे हों, कुछ रहस्य हों, तो आप लोगों को वो रहस्य भी मैं बताऊंगा, आगे चल के दिखाऊंगा अगर हमें मिलते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी माना जाता है कि तहखाने भी हैं। तो गाइस यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला है कि ये जो इसकी रिपेयर वगैरह कर दी गई है, ऐसे लग रहा है जैसे जो पहले अपने परचम परे महल होगा उसी टाइप के आप लोग देख सकते हो। ये जो हमारे पुरातत्व विभाग हैं उसने इसकी मरम्मत करवाई है, काफ़ी शानदार मरम्मत करवा दी गई है। इस साइड से चलते हैं हम लोग, तो गाइस इस साइड आप लोग देख सकते हो मेन कक्ष की ओर हम लोग बढ़ चुके हैं, धीरे धीरे चलते हैं मेन कक्ष की ओर चल रहे हैं। इस साइड काफ़ी घास घूस है, आप लोग देख ही सकते हो। यहाँ पर कुछ ऐसे कक्ष बने हुए हैं जो शायद हो सकते हैं राजा महाराजा कोई हों। वैसे यहाँ पर आने के बाद हमें पता चलता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घास घूस है, तो इस साइड जाते हैं। यहाँ पर कुछ कक्ष हैं, आप लोगों को उस कक्ष के बारे में मैं बता देता हूँ। ये किला गाइस ऐसा बना हुआ है, काफ़ी मतलब सेफ्टी के हिसाब से बना है, यहाँ पर हथियार वगैरह रखे जाते थे क्योंकि उस समय पर काफ़ी लूटपाट हुआ करती थी। लेकिन इस किले के अंदर हथियार ऐसे खुफिया जगह में रखे जाते थे जो कि दुश्मनों को पता भी नहीं चलता था। गाइस ये आप लोग देख सकते हो, एक कक्ष बना हुआ है जो कि आज के टाइम पर ध्वस्त हो चुका है। तो गाइस इसके अंदर तो हम लोग नहीं जा सकते हैं क्योंकि काफ़ी रिस्क है जाना, क्योंकि ये जो कक्ष है अभी पूरी तरीके से खंडर के रूप में तब्दील है। इस साइड आने पर गाइस हम लोगों को मिलता है काफ़ी मैदान जो आप लोग देख रहे हो। गाइस इस महल में हमें अभी तक ये समझ में नहीं आया है गाइस कि रास्ता कहाँ से कहाँ है, क्योंकि ये जो महल है काफ़ी मतलब शानदार महल बना हुआ है। यहाँ से हम लोग उतरते हैं नीचे और आप लोगों को लेकर चलते हैं मेन कक्ष की ओर जहाँ पर राजा निवास किया करते थे। हम लोग आप लोग सामने ही देख सकते हो, ये जो मेन कक्ष बने हुए हैं यहाँ पर राजा निवास किया करते थे और काफ़ी शानदार ये महल है। यहाँ पर हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं राजा के महल की ओर। तो गाइस यहाँ से हम लोग चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आप लोगों को राजा का महल। आप लोग देख सकते हो पुरानी चट्टानें, काफ़ी बड़े बड़े पत्थर हैं इस महल में और छोटी सी पहाड़ी के ऊपर ये महल स्थित है। हम लोग आ चुके हैं राजा के कक्ष की तरफ। तो गाइस सीढ़ियों की मदद से हम लोग ऊपर चल रहे हैं जहाँ राजा रहा करते थे और आप लोग देख सकते हो पहाड़ के टॉप पर ये राजा का कक्ष है। गाइस अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग मेरे वीडियो को प्यार देना, अपना वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो काफ़ी शानदार यहाँ के कक्ष बने हुए हैं और यहाँ से शायद ऊपर जाने के लिए जीना है। ऊपर चलते हैं। ये जो राजा थे यहाँ के काफ़ी
मतलब इन्होंने युद्ध भी लड़े हैं उस समय पर। तो गाइस ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ से तालाब बिल्कुल पास में ही आ जाता है और तालाब में एक मंदिर भी बना हुआ है जो कि काफ़ी शानदार है। तो यहाँ से आप लोग देख ही सकते हो काफ़ी शानदार नज़ारा है। और ये छोटे छोटे जो बुर्ज बने हुए हैं यहाँ पर, ये छोटे छोटे बुर्ज बने हुए हैं यहाँ पर, पहरेदार ऐसे बैठा करते थे। मैं अभी बैठ के थोड़ा सा आनंद ले लूँगा, इस काफ़ी शानदार हवा आ रही है। यहाँ से बैठते थे अपने हथियार जो भी लेके इस किले की रेख देख में। तो गाइस चलते आ गए, आप लोगों को और दिखाते हैं, कभी आइए इस महल में भी। हम लोग अब नीचे की तरफ यहाँ से, और आप लोगों को आगे और दिखा देता हूँ। तो गाइस धीरे धीरे नीचे चलते हैं, जैसे जैसे हम लोग नीचे जा रहे हैं आप लोग देख सकते हो, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से एक रास्ता है उस साइड जाने के लिए, हम वहाँ से आप लोगों को दिखा देते हैं वो। तो वैसे यहाँ से एक कक्ष बना हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ये भी कक्ष काफ़ी शानदार होगा उस समय पर, जो अभी फ़िलहाल काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर मरम्मत वगैरह करवा दी गई है। तो ये आप लोग ऊपर का देख सकते हो, काफ़ी शानदार बनाए जाते थे उस समय पर, जो डिज़ाइन हुआ करते थे। यहाँ से हम लोग चल रहे हैं अब नीचे। ये जो आप बुर्ज वगैरह देख रहे हो, यहाँ पर पूरे सैनिक चारों तरफ तैनात रहा करते थे। सैनिक यहाँ पर, मतलब ये जो किला है, यहाँ पर काफ़ी सेना थी और काफ़ी सेना यहाँ पर तैनात रहा करती थी, क्योंकि ये जो बुंदेलखंड की है, ये जो टीकमगढ़ रियासत का ये सबसे महफूज और हथियार रखने के लिए सबसे महफूज जगह बनाई गई थी। तो भाई यहाँ से हम लोग आ गए इस साइड, आप लोग देख सकते हो एक सुरंग टाइप की ये बनी हुई है, आप लोग यहाँ से देख ही सकते हो। यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे कोई खुफिया रास्ता हो। तो भाई यहाँ से तो वैसे टूट चुका है, देख ही सकते हो। तो गाइस आप लोग इस किले की जो बाउंड्री वॉल देख रहे हो, काफ़ी शानदार और काफ़ी मजबूत बाउंड्री वॉल बनाई गई है। और आप लोग इसमें गन पॉइंट देख रहे होगे, जो हर जगह इसमें गन पॉइंट बनाए गए हैं। आप लोग यहां से देख सकते हो, सीधा निशाना लगाया जा सकता था। यहां पे देख रहे हो गन पॉइंट, जगह जगह पर यहां पर गन पॉइंट बने हुए हैं। और जो दीवार है, 3 से 4 फुट चौड़ी दीवार है गाइस, और मतलब ऐसी दीवार बनाई गई थी जो तोप के गोले से दीवार को भेद ना सकें। तो गाइस हम लोग भी इससे बात आगे चलते हैं। और राजा, जो राजा महाराजा यहाँ के हुआ करते थे, उनके कक्ष हैं यहाँ पर, सैनिकों के बैठने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। और इस साइड भी जो गन पॉइंट है वो बनाए गए हैं गाइस। इस किले में मोस्टली यहाँ के राजा के हथियार वगैरह रखे जाते थे, और इस साइड भी वैसे ही बना हुआ है खुफिया सुरंग टाइप की, इसमें भी काफ़ी जो हथियार गोले वगैरह होंगे यहाँ पर रखते होंगे। तो गाइस हर जगह जगह आप लोग देख सकते हो, क्योंकि अगर आक्रमण के समय इस किले पर अगर लूटपाट होती है तो पूरी तरीके से इस किले को लूटा ना जा सके, इस तरीके से किला बनाया गया है। तो आप लोग देख ही सकते हो दीवारें वगैरह, जो जहां पर भी आप लोग देख सकते हो, हर जगह सैनिक तैनात रहते थे, हर जगह उनके लिए ये व्यवस्था बनाई गई थी कि वो युद्ध के टाइम पर अपनी कला दिखा सकें और युद्ध अच्छे से कर सकें, किले के अंदर रहकर ही वो अपने निशाने को टारगेट कर सकें। क्योंकि गाइस हर जगह दीवारों पर जो गन पॉइंट हैं उन्हें इससे मदद मिलती थी युद्ध के टाइम पर, और उनके ऊपर मोस्ट डायरेक्टली वार नहीं हो पाता था। और दीवारें इतनी मोटी बनाई गई हैं कि किसी भी तोप के मतलब गोले का इस दीवारों पर कोई असर नहीं होता था। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं राजा के कक्ष, चलते हैं राजा की कक्ष की। और मेरे सामने आप लोग देख सकते हो राजा का कक्ष बना हुआ है, जो कि उस समय पर काफ़ी शानदार हुआ करता होगा। इसके अंदर एक जो पिलर बना हुआ है ताकि इसमें सपोर्ट रहे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सुरक्षा के हिसाब से चारों ओर यहाँ पर सैनिक तैनात रहा करते थे, राजा यहाँ पर विश्राम करते थे। आप लोग देख सकते हो आज के टाइम पर भी वो बने हुए हैं, यहाँ पर कुछ उसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर गाइस ऐसे कुछ अपवाद भी आते रहते हैं, जो लिखते रहते हैं अजय संग गीता ऐसा वगैरह वगैरह कुछ भी, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। हम लोग तो डर बस किले को दिखाने के लिए आए थे। आप लोगों को और दिखा देते हैं, इसके ऊपर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जो कि ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं आप लोगों को सीढ़ियों के ऊपर का राज जो भी है। तो ऊपर जाके हम आप लोगों को बताते हैं राजा के कमरे का राज। तो गाइस आप लोग बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस यहाँ पर आने के, हमें आने पर पता चलता है, हम लोग ऊपर आ चुके हैं, यहाँ पर हमें आने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर काफ़ी शानदार और काफ़ी मस्त और काफ़ी सुरक्षित है ये किला। क्योंकि गाइस आप लोग देख सकते हो जहाँ भी हम लोग गए होंगे वहाँ पर सैनिकों के लिए बैठने के लिए व्यवस्था और उनके गन पॉइंट बनाए गए हैं। और इस किले को इतना सुरक्षित बनाया गया था कि इस किले को आज तक मतलब ऐसे इस किले पर ज़्यादा लूटपाट नहीं हुई है। अंग्रेज़ों के समय यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन आ गया था। अब गाइस यहाँ से हम लोग इसके ऊपर चढ़ के देखते हैं कैसा नज़ारा दिखता है। गाइस आप लोग देख सकते हो मेरे साथ, गाइस यहाँ से काफ़ी शानदार नज़ारा दिखता है, आप लोग देख ही सकते हो।
कुछ यहाँ पर भी बने हुए हैं जो कक्ष वगैरह होंगे, और एक उस तरफ भी एक छोटा सा महल बना हुआ है, शायद यहाँ के राजाओं का ही हो। और गाइस यहाँ से आप लोग इस साइड देख सकते हो, यहाँ पर मछली पालन की गई है, और ये प्राचीन ही कुछ एक कुंड वगैरह बने हैं जो इस महल का पानी बरसात के टाइम उसमें इकट्ठा हो जाता है। गाइस चलते हैं इस साइड आगे, और आप लोग आगे देख सकते हो गाइस इस साइड पूरा बल्दोगढ़ है जो पूरा दिखता है, और यहाँ पर कुछ बुर्ज वगैरह बनाए गए हैं जहाँ पर सैनिक बैठा करते थे, और वहाँ पर आप लोग मेरे सामने ही देख सकते हो जो मैंने आप लोगों को वो तोप बताई थी, वो जस्ट सामने ही वो तोप पड़ी हुई है मेरे, आप लोग देख सकते हो वो तोप है, वही ऐसी वो एक तोप थी जिसको एक बार यूज किया गया था। उसको एक बार यूज करने के बाद जो यहाँ की स्त्रियाँ जो गर्भ धारण किए हुई थी उनका गर्भपात हो गया था, ऐसा लोग कहते हैं। तो गाइस हो सकता है ऐसा हो, और उसके बाद उस तोप को दोबारा यूज नहीं किया गया है। और इस किले की जो बाउंड्री वॉल है काफ़ी मतलब अच्छी बनाई गई है, मजबूत बनाई गई है, आप लोग देख ही सकते हो 3 से 4 फुट चौड़ी बाउंड्री वॉल है। इसके बाद गाइस हम लोग चल रहे हैं नीचे, और गाइस नीचे चल के आप लोगों को बताते हैं कुछ और थोड़ा बहुत। यहाँ के जो राजा थे काफ़ी उन्होंने मतलब जो यहाँ के राजा थे पहले ओरछा रियासत में रहा करते थे, वहाँ पर मराठों के आतंक से उन्होंने यहाँ पर अपना ये स्थान चेंज किया और बल्दोगढ़ को अपना मेन रियासत बनाया। यहाँ पर उन्होंने अपने अस्त्र वगैरह रखने के लिए इस किले का निर्माण किया गाइस, और ये किला है 70 एकड़ में ये किला बना हुआ है गाइस। तो इस ब्लॉग में इतना ही, आप लोग इस ब्लॉग को प्यार दीजिए, और अगर पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों को ऐसे कई रहस्यमय किले के इस वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।